हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लाइंग और लाइफ में क्या कॉमन है और हम एविएशन से हमारी लाइफ में क्या सीख सकते हैं। तो यार, जैसा कि हमने कहा कि फ्लाइंग और लाइफ में काफी कुछ कॉमन है, या यूं बोल लीजिए कि फ्लाइंग और जिंदगी की फ्लाइट में बहुत कुछ कॉमन है। तो फ्लाइट और जिंदगी की फ्लाइट दोनों का एक रूट होता है। फ्लाइट का रूट हमें पता होता है, जबकि जिंदगी की फ्लाइट का रूट हम नहीं जानते कि जिंदगी किस रूट से जाएगी। जैसे कि हर एक फ्लाइट का पायलट होता है, हम अपनी जिंदगी की फ्लाइट के पायलट होते हैं। जिस तरह फ्लाइट में पायलट के साथ एक को पायलट होता है, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी का को पायलट हमारा लाइफ पार्टनर होता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी की फ्लाइट के फेलो पैसेंजर्स होते हैं, और जैसे यूजुअली पैसेंजर्स का डेस्टिनेशन सेम होता है, ठीक वैसे ही जिंदगी की फ्लाइट में भी सबका एक डेस्टिनेशन होता है और वो है मौत। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन मरना ही है, तो मींस सबका डेस्टिनेशन मौत है। जैसे हमारी जिंदगी में कुछ लोग दूसरों के कंपेयर में ज्यादा प्रिविलेज होते हैं, जैसे सबकी सोशल क्लास अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही फ्लाइट में फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास होते हैं। तो यार, आपने देखा कि सच में फ्लाइंग और लाइफ में बहुत कुछ कॉमन है। अब हम जानेंगे कि हम एविएशन से अपनी लाइफ में क्या कुछ सीख सकते हैं। तो पहला लेसन जो आप एविएशन से सीख सकते हैं वो है सेफ्टी। तो यार, हमारे आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज को आप जानते हो, एविएशन उनमें से सेफेस्ट इंडस्ट्री में से एक है। तो एविएशन इंडस्ट्री कितनी सेफ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हम लोग फ्लाइट में काफी हद तक कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बिना पायलट को जाने या पता किए कि पायलट कितना फिट है या पायलट कितना स्किल्ड है इस फ्लाइट को उड़ाने में। हम पायलट पर ट्रस्ट करते हैं कि वह हमारे डेस्टिनेशन तक हमें सेफली पहुंचा देगा। तो यार, बात यहां आती है कि एविएशन इंडस्ट्री सेफ्टी को कैसे मेंटेन करती है, और इसका सिर्फ एक ही आंसर है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। और यही बात हमारी लाइफ में भी लागू होती है। हम अपनी लाइफ के पायलट होते हैं, और विद गुड प्रैक्टिसेस लाइक एविएशन हम अपनी लाइफ को सेफली और अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो एविएशन के इस लाइफ लेसन के बारे में आप अपने विचार नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपने कभी फ्लाइट से ट्रेवल किया है तो आपने देखा होगा कि बिफोर टेक ऑफ कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिसमें हमें सीट बेल्ट, ऑक्सीजन मास्क और इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बताया जाता है। लेकिन हम एविएशन इंडस्ट्री में इतना ट्रस्ट करते हैं कि उन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं सुनते और इग्नोर कर देते हैं, और जरूरत पड़ने पर उस इंस्ट्रक्शंस को रिविजिट करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी की फ्लाइट में हमें इम्पोर्टेंट एडवाइस और लाइफ लेसन्स पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जरूरत के समय वो एडवाइस या लेसन्स काम आ सकें। जैसे फ्लाइट में चाहे आप फर्स्ट क्लास में हो, चाहे बिजनेस क्लास में हो, चाहे इकोनॉमी क्लास में हो, आपको अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे ही पहुंचना है। ठीक उसी प्रकार लाइफ में आपका सोशल क्लास आपके लाइफ की फ्लाइट का डेस्टिनेशन यानी डेथ को नहीं रोक सकता, यानी कि एक दिन मरना सबको है, चाहे सोशल क्लास या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। जैसे फ्लाइट में केयरफुल ऑब्जर्वेशन और वेदर फोरकास्ट के बावजूद कभी कभी अनएक्सपेक्टेड टर्बुलेंस आ जाता है, ठीक उसी तरह चाहे आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे ढंग से क्यों न जी रहे हो, कभी कभी सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहती और आपको उन सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। वह आपको अपने कोपायलट यानी लाइफ पार्टनर के साथ मिलके म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ उन सिचुएशंस को ओवरकम करना होता है। तो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट लेसन जो हम एविएशन से सीख सकते हैं वो है अपनी गलतियों से सीखना। जैसे प्लेन क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ताकि प्रॉब्लम्स को जान के फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके, ठीक उसी तरह लाइफ में क्राइसिस आने पर हमें अपने लाइफ के ब्लैक बॉक्स को रीड करके अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी और कम्फर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो यार, नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्लाइट से जाओगे, तो फ्लाइट इंजॉय करने के साथ साथ इन लाइफ लेसन्स को ऑब्जर्व करना है और लाइफ में अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि आप भी एक लॉन्ग फ्लाइट के पायलट हैं, और वो फ्लाइट है फ्लाइट ऑफ लाइफ।